आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपको और भी अच्छा करने लेके आई हूँ मैं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, वो होने के लिए प्रैंक ऑन यश चौधरी, नहीं प्रैंक। तो यार मतलब उसके फ्रेंड में मैं प्रैंक करने वाली हूँ, जो चड्डी बड्डी दोस्त बोलते ना जिसको यार, तो वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो आज मैं उस पर, मैंने सोचा उस पर प्रैंक किया जाए यार, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो के रिएक्शन जबरदस्त आने वाले हैं, क्योंकि से मैंने स्टोरी बनाई है तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। यार मैंने आज उसे मिलने के लिए बुलाया, मैं उसे फोन करके बुला रही हूँ, वो कहाँ पहुँचा है अभी तक। आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यार जो कंटेंट है ना, वो मैंने कुछ अलग ही सोचा है, बहुत मजा आने वाला है। तो इससे ये भी पता चलेगा कि दोस्ती बढ़कर है या लड़की। यार आज के टाइम में होता ना कि दोस्ती को टुरा के लड़की के पास चले जाते हैं, तो इससे भी पता चलेगा कि क्या होने वाला है वीडियो में। फोन नहीं उठा रहा यार, मैं एक बार दोबारा करती हूँ। यार फोन नहीं उठा रहा है, वीडियो मेरी कैसे होगी? हेलो हेलो, अमित कहाँ रह गए? मैं पहुंच गया गेट के इधर पे। जल्दी आओ यार, बहुत जरूरी बात करनी है, फिर मेरे को उसके बाद ना शूट भी स्टार्ट करना है। ठीक है, आ गया। आओ। तो यार वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, मैं मिलती हूं वीडियो के बाद। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आप ऑनलाइन गेम खेल के कैसे पैसे कमा सकते हो, खूब सारा पैसा। मेरे एक फ्रेंड ने चैनल खोया जिसे एक साल हो गया, वो ये बताता है कि सही तरीके से कैसे आपको पैसे लगाने और कैसे जीते। वो सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं यार, और वो अच्छी ट्रिक और हिंट देते हैं आपको कैसे आपको ऑनलाइन गेम खेल के किस तरीके से पैसे लगाना है और किस तरीके से उसे कमाना है। तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर इसको चेकआउट करो और देखो उसे कैसे पैसे लगाने और कैसे कमाने हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसे चेकआउट करो जाके और खूब सारा पैसा कमाओ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अबे यार आया ही नहीं अभी तक, एरिक मेरी वीडियो हो जाएगी ना। आ गया आ गया आ गया। हेलो, अरे कहाँ पे हो यार? सुनो, जहाँ पे यश तुम और मैं हमेशा बैठते हैं ना, सुनो तुमने ब्लू कलर का पहना है क्या? ब्लू? हाँ हाँ, यहाँ यहाँ। अरे ब्लू में अच्छे लग रहे हो, आ जाओ। थैंक यू। कैमरा हाइड कर लेना। हाय, कैसे हो? एकदम बढ़िया बढ़िया। आ जाओ बैठ के बात करते हैं। यश नहीं आया आज, शूट नहीं आया उसका। अच्छा, क्या बात करनी थी आपको? दो मिनट बैठो तो सही, और बताओ कैसा चल रहा है? यार तुम्हें तो पता है हमेशा हम तीनों मिलते हैं, आज तुम्हें पर्सनली मिलने बुलाया क्योंकि कुछ ना ज़रूरी बात करनी थी यश के रिगार्डिंग। यार तुम्हें तो पता है यश के बारे में, मेरे को लेके क्या फीलिंग्स है उसके मन में। बहुत लव करता है, बहुत लव करता है, बहुत प्यार करता है। बट मतलब तुमने कभी ये सोचा कि मैंने उसे हाँ क्यों नहीं बोला आज तक? ये तो पता नहीं, मगर हाँ बोल देना चाहिए, उससे बढ़िया इंसान तो कोई है नहीं अभी तक। बिल्कुल सही, केयर भी करता तुम्हारी और प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है। मेरे को अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन यार मेरे को मेरी खुशी भी तो देखनी है, मेरी खुशी का ही हो रहा है। आज मैंने यश के लिए ही बात कर, यश के बारे में ही बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। ठीक है, क्या बात करनी थी? यार देखो, मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, चड्डी बड्डी जैसा तुम्हारा है, हमारा कॉमन फ्रेंड है। बट मेरे मन में ना किसी और के लिए फीलिंग्स है और मैं किसी और से प्यार करने लग गई हूँ पिछले 10-15 दिनों से। तो ये आपको यश को बताना था ना, तो मेरे को क्यों बुला दिया आपको उसे? शायद तुम्हें ही बताना जरूरी है क्योंकि वो तुम हो इंसान। नहीं यार ऐसा नहीं, क्यों मजाक कर रहे हो यार? यार तुम्हें मजाक लग रहा है, यहाँ पे कैमरा वैमरा लग रहा है? नहीं, यहाँ पे कैमरा भी होता है, प्रैंक भी होता है, मगर मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि मैं अपने दोस्त की अपनी दोस्ती तोड़ दूँ ऐसे। कि मेरे को मेरी तरफ से कोई फीलिंग नहीं आई तुम्हारे लिए आज तक, तो मैं ऐसे कैसे सोच लूं? तुम्हारे मन में इसलिए नहीं आई ना क्योंकि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मुझसे प्यार करता है, इसलिए नहीं आई। अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ना होता वो तो पक्का आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे मन में आती फीलिंग। हो ही नहीं सकता रहा यार। सुनो यार अमित, आई सीरियसली लव यू यार। मैं नहीं यार ऐसे हो ही नहीं। सुनो तो सही मेरी बात यार, तुम मानने को तैयार नहीं हो। नहीं, सिर्फ यही, तुमने कभी ये सोचा कि मैंने यश को हाँ क्यों नहीं किया? ये नहीं है कि मेरा ब्रेकअप हुआ और मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। की बाउंडेशन है तुम्हारे जो बीच में बात होती है, अब मुझे इतना नहीं पता, मगर वो तुमसे ज्यादा करता है और वो बहुत अच्छा है।
यार मुझे पता है वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मेरे लिए कोई और बना ना, वो तुम हो, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। मैं अपने दोस्त को छोड़ना छोड़ सकता हूँ और तुम आज मुझे मतलब नहीं, मेरे दोस्त सबसे पहले है, तुम नहीं हो, क्योंकि उसी ने मुझे तुमको मिलाया है यहाँ पे, तभी मैं उसकी खातिर ही आया यहाँ पे कि बात करने। और मतलब तुम एक लड़की का दिल तोड़ दोगे? लड़की दोस्ती यारी सबसे पहले अपनी जगह है। पता है मुझे तुमसे कैसे प्यार हुआ, मतलब मेरे मन में तुम्हें लेके फीलिंग्स कैसे है, क्योंकि यार तुम भी गरीबों की हेल्प करते हो और मतलब हर किसी की हेल्प करते रहते हो, मुझे बहुत वो चीज से ना एक अटैचमेंट हो गई कि बहुत की फिर हर वर्ल्ड में। मगर ऐसा थोड़ना है कि अब मैं आपने मुझे बुला ली, मैं आ भी गया, मेरे को ये शर्म आ रही है कि मैं आपके साथ बैठा क्यों अकेले, क्योंकि मेरा दोस्त नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ भी कोई मेरे को देख लेगा आपके साथ, मेरे दोस्त को बोलेगा तो उसे कितना हर्ट होगा। यार तो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो कि मेरे को तुमसे प्यार है यार, मैं तुम्हें पसंद कर, मेरा क्रश तुम हो। उससे कोई फायदा नहीं है ना। और तुम यश के बारे में, आज तुम यश है ना उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन अगर वो ना होता ना, मेरे को पता है तुम, वो डायरेक्शन ही अलग होता ना फिर, क्योंकि मेरे दोस्त ने तुमसे मिलवाया। वो तक तुम उसे चीट नहीं करना चाहते, लेकिन एक बार अपनी खुशी भी तो देखो ना यार, मेरी खुशी भी तो देखो। मेरा दोस्त जब तक खुश है तब तक खुश यार, प्लीज अमित यार, प्लीज यार, प्लीज प्लीज। मैं बोल रहा था यहाँ पे जितने भी है उसे सब जानते हैं वैसे भी, और तुम मतलब यश के लिए मुझे आज रिजेक्ट कर रहे हो, मेरी खुशी कुछ मैटर नहीं करती। 10-15 दिनों से यार मेरे मन में तुम्हारे लिए था और मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने बता दी। प्लीज यार ऐसे मत बोलो, तुम मेरी फ्रेंड ही हो जैसे वो फ्रेंड है, मगर वो मेरा बचपन का दोस्त है और वो बेस्ट है। प्लीज यार अमित, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे पता है मुझसे प्यार करता है, तुम्हें पता करता है, लेकिन मुझे मेरी खुशी भी तो देखनी है ना। मुझे नहीं है ना तुमसे, मैं कभी नहीं बोल पाऊंगी। मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। और मेरे बारे में क्या यार, यार मैं जब मेरा दोस्त तुम्हारे बारे में सोचता है ना, तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम मेरी दोस्त ही हो बस खाली। ठीक है, दोस्ती तुम्हें वही दिख रहा है तो हमारी दोस्ती कुछ नहीं है, तो यार खत्म करते हैं इस दोस्ती को भी यार। नहीं यार मैं खत्म नहीं करना चाहता, मैं ये बुरा नहीं करना चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो जाओ या मैं अलग। क्या हम साथ ही कब है, हम कभी साथ रहे नहीं, हम सारे दोस्त ही हैं तीनों। अब तुम उसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, मगर वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो देखता रहेगा तुम्हारी फोटोज, देखता रहेगा, क्योंकि तुम उस टाइम पे नहीं होती जिस टाइम पे मैं उसके साथ होता हूँ, तो मैं उसकी सारी एक्टिविटी वॉच करता रहता हूँ। प्लीज वो बहुत नहीं यार, मैं मुझे अच्छा लग रहा है कि वो मेरे से प्यार करता है, लेकिन मुझे मेरे बारे में भी सोचना ना, हमेशा मैं औरों के लिए नहीं सोच सकती। नहीं, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे प्यार करते हो तुम? मेरी फ्रेंड है बचपन की, मैं उससे प्यार करता हूँ। नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं हो सकता यार। नहीं मैं उससे, प्लीज यार, प्लीज, नहीं प्लीज यार, प्लीज अमित सॉरी। तो मतलब तुम्हें आज हमारी दोस्ती भी खत्म करनी है? मैं खत्म कर दूंगा अगर तुम मेरी दोस्त को नहीं। ठीक है, तो यार मैं तुम्हें, तुम मेरे मन में तुम्हारे लिए दूसरे फीलिंग्स है, तो मैं तो रह नहीं पाऊंगी ऐसे, दोस्ती में भी नहीं रह पाऊंगी, तो यार खत्म ही करनी पड़ेगी ना दोस्ती यार। नहीं, मैं जब तुम मेरी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रहे हो। क्यों समझूं तुम्हारी फीलिंग्स, मेरे दोस्त हर्ट हो रहा है इस पे, तो उसे नहीं बताएंगे ना? नहीं मैं धोखा नहीं दे सकता ना। और मेरे बारे में क्या, व्हाट अबाउट मी? तुम खुश हो ना? मैं खुश नहीं हूँ ना तुम्हारे बिना, यही तो बात है। मैं अपने दोस्तों, मेरे लिए मेरा दोस्त ही है सब कुछ। ठीक है यार, अच्छा लगा तुमसे मिलके, खत्म करते हैं यार सब कुछ, दोस्ती भी नहीं रख पाऊंगी मैं। सुनो, तुमने ये तो प्रूव कर ही दिया कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में, तभी यश हो तुम मेरे दोस्त हो। एक्चुअली मैं छोटा सा प्रैंक शूट कर रही थी तुम्हारे दिमाग खराब कर दिया इतने देर से। मैं ना मजाक करती हूँ, वो रख एरिक यार। और तुम ब्लू पहन के अच्छे लग रहे हो यार, और यश यहीं पे आसपास ही घूम रहा है, उसने बोला था मेरे दोस्त से प्रैंक कर। अभी मिलवाती हूँ। तो यार इससे ये भी पता चलता है, एक मैसेज भी आप सब लोगों के लिए, कि आजकल होता है ना लोग ना लड़की के लिए ना अपनी दोस्ती मतलब छोड़ देते हैं, दोस्ती अपनी लड़की जो भी गर्लफ्रेंड है उससे मिलवाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यार अपनी अपने दोस्तों की इज्जत करो यार, रिस्पेक्ट करो दोस्ती की, फ्रेंडशिप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, या रिलेशनशिप कुछ नहीं है यार। तो एक प्रैंक करी थी, बहुत मजा आया, अच्छा लगा, एक मैसेज भी मिला बाकी सबको, प्रैंक किया यार। चलो नाइस टू मीट यू। सुनो कुछ खाने तो चलो, यशवा है, अरे चलो ना, बुला लो उसे तब। तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिसने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अच्छे अच्छे वीडियो आती रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे और आपको भी हंसाते रहेंगे। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।